दो तीन दिन पहले न्यूज में देखा कि जनता दल सेक्युलर पार्टी ने इंडिया अलायंस ज्वाइन किया है, और सेक्युलर पार्टी नॉन सेक्युलर लोगों के साथ जाने की वजह से उनकी जो जिला अध्यक्ष है शाने हिंद निहाल अहमद, इन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और बड़े दुख के साथ किया। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है, क्योंकि निहाल साहब की जो जनता दल के लिए त्याग था या समर्पण था, उनका जो कार्य था, वो तहा उम्र जनता दल के साथ रहे और सेक्युलर सोच के साथ उन्होंने सारे महाराष्ट्र में जनता दल को खड़ा किया। आज उनकी लड़की को पार्टी छोड़ने की नौबत पार्टी के गलत फैसले की वजह से आई, और महाराष्ट्र में जहां भी कई अन्याय होता है वहां अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का काम शिवसेना करती है। और मैंने पार्टी से बात की और पार्टी से मुझे आदेश मिला कि मैं जाके इनसे बात करूं, और मैं आज शिवसेना का उपनेता के तौर पे इनको शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी की जानिब से ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन करने का इनविटेशन नियोता देने को आया हूं। मेरे साथ हमारे जिले के प्रमुख जो है गणेश दात्रक जी, वो भी है, सारे तमाम शिवसेना के पदाधिकारी है, और हमने सबने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो पार्टी ज्वाइन करें, हमारे साथ काम करें, उनको पार्टी में सम्मान दिया जाएगा, उनका जो कद है वो पार्टी में कैसा बढ़ेगा वो हिसाब से पार्टी उनके साथ रहेगी। आने वाले कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है उसकी जिम्मेदारी वो शिवसेना की संभाले, ऐसे हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। और उनकी पार्टी में अंदरूनी जो कुछ मीटिंग्स होगी उसके बाद जो भी उनका फैसला होगा वो मैं सोचता हूँ कि शायद पॉजिटिव हो, मुझे उससे उम्मीद है। और अगर पॉजिटिवली वो फैसला करते हैं तो शिवसेना के हमारे नेता संजय राउत साहब और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब से उनकी मैं मुलाकात कराऊंगा, और जो भी कुछ तय होगा या जो भी कुछ बात होगी वो सीधा पार्टी प्रमुख से होगी। मैंने सिर्फ काम न्योता देने का था, इसलिए मैंने वो सिर्फ वो दिया है, आज कुछ बात मेरी तरफ से नहीं हुई है। अगर उनको बात करनी होगी तो उद्धव साहब पार्टी में खुद बात करते हैं, क्योंकि शिवसेना में सिर्फ आदेश चलता है, यहाँ पे हम लोगों को कोई फैसला करने का हक नहीं है। तो जो भी होगा वो उद्धव साहब की तरफ से होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनता दल के सारे लोग जो जनता दल छोड़ चुके हैं वो शिवसेना में आए, और मालेगांव शहर में भी जिस तरीके से आज कॉरपोरेशन में लूट चालू है, रोजाना हम देख रहे हैं, कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, और आज बीजेपी के लोगों के हाथ में, यहाँ के पालक मंत्री के हाथ में कॉरपोरेशन की सत्ता है। कई साल हो गए, चुनाव जरूरी है लेकिन चुनाव होने नहीं दिया जा रहा, प्रशासक के जरिए से कॉरपोरेशन चलाई जा रही है, और इसके खिलाफ हमको लड़ना है। हमको शहर में अगर काम चाहिए, हमको शहर में तरक्की चाहिए, तो हमको कॉरपोरेशन के इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा, और ये रोकने में शिवसेना तो है लेकिन जनता दल के जरिए से ये लोग लड़ रहे थे। अगर हम साथ में मिलकर अगर लड़ेंगे तो अच्छी ताकत से लड़ेंगे, और आने वाले चुनाव में शिवसेना का महापौर मालेगांव में हो, ये कोशिश मेरी है, और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे।